मेरी तरफ से मुंशी स्टूडियो के देखने और सुनने वाले सभी मौजूद लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आज आपको बल्तिस्तान के पसमानदा तरीन गांव दपक की सैर करवाने जा रहा हूं। ये गांव सत समंदर से 4000 मीटर की बुलंदी पर दिसई के दामन में वाकई है। ये गांव 250 घरानों और 9 मोहल्लों पर मुश्तमिल है। इस गांव की वजह शोहरत बुलंद बाला पहाड़, पाक साफ फिजा, ग्लेशियर, झीलें, आबशारें और सतह समंदर से इंतहाई बुलंदी शामिल हैं। यहां का साफ आसमान और शिफाफ पानी इसके हुस्न में चार चांद लगाता है। यहाँ पर बलती जबान बोली जाती है। ये संगलाख पहाड़, बहते चश्मे, आसमान से बातें करते पहाड़ अल्लाह ताला के रुबूबियत के जलवे उजागर करते नज़र आते हैं। ये इलाका गंदम, मटर, जो और आलू की पैदावार के लिए बल्तिस्तान भर में मशहूर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग भेड़, बकरियाँ और गाय भैंसें पालते हैं। यहाँ के जानवरों के गोश्त, घी और दूध जायके और लज़त में बेमिसाल है। यहाँ होने वाली बर्फबारी पूरे इलाके की हुस्न को लाजवाब बनाती है और पाकिस्तानी और आलमी सयाहों को दावत नज़ारा देती है। ज़िला खरमा के सबसे ज़्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में दपक का नाम सर फहरिस्त है। यहाँ पहुँचते ही दिसई की ठंडी हवाएं आपका इस्तकबाल करती हैं, जिनसे सरफ नज़र करना मुमकिन ही नहीं। बर्फपोश पहाड़ों और ग्लेशियर्स का हैरान कन नज़ारा सियाहत के नए दरवाजे के इम्कानात खोलता है। पाकिस्तान में मौसम सरमा में सियाहत का बढ़ता रुझान आने वाले बरसों में पाकिस्तान की सियाहत को एक नई ज़िंदगी बसने के मुतरादिफ होगा। गर्मियों में सयाह यहां आकर कुदरत के हसीन मनाजिर से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। बिलगु आसमान के अलावा टहलते बादलों के बीच में खरमा डिस्ट्रिक्ट की सबसे बुलंद तरीन चोटी कोह फिदा यहां वाकई है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। साथ ही अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।